नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लंबे समय के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, जिनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बता दें आपको कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए तमाम कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर में पहले से मौजूद थे। नीतीश कुमार बारी बारी से सभी लोगों से मुलाकात किए, उनके क्षेत्र का फीडबैक लिया। सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसका भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है फीडबैक लिया है। बिहार सरकार के कई मंत्री जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर कि किस तरीके से उनके साथ साथ जो है अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं, विजय चौधरी जो है, ये तमाम जो नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब बैठक समाप्त हुई उसके बाद उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप लंबे समय के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, क्या कुछ बात है, ऐसी क्या बात आई? उन्होंने कहा कि जेडीयू का सदस्यता अभियान चल रहा था और उसी के तहत हम लोग यहां पर जो है आए थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। पहले ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनिए। सर काफी दिनों बाद मुलाकात की, सर से कितना पाए हैं? मेरे वो बीच में मेंबरशिप ड्राइव चल रहा था, सदस्यता अभियान चल रहा था और जगह जगह का चुनाव था, इसलिए कहा गया था कि इसके बाद पूरा हो जाए, तब वो हो गया, इसलिए वाला शुरू किया। आप लोग चाहे चलिए 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 आप लोग चलिए तो चलिए तो करिए खराब कर दिया, हम खराब कर कुछ नहीं बन पाया। मेंबरशिप ड्राइव चल रहा था, सदस्यता अभियान चल रहा था और जगह जगह का चुनाव था, इसलिए लग रहा था कि इसके बाद पूरा हो जाए, तब वो हो गया, इसलिए वाना शुरू किए। और जो लोग भी मिलना चाहते हैं वहाँ भी मिलते हैं, आ जाते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग एकदम मस्त रहिए, आप लोग सब रहिए, ठीक रहिए। आपने सुना किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लंबे समय के बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। कई तरह के सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे थे, कई तरह के बातें NHRC यानी कि बिहार में जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हुई है उसको लेकर भी जो है ये सवाल खड़ा हो रहा है कि NHRC की जो टीम पटना यानी कि छपरा पहुंची है तो NHRC की टीम जब बिहार आई है तो उनको हर जगह पर जाना चाहिए, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जहाँ जहाँ भी इस तरीके से मौत हुई है तो वहाँ भी जाना चाहिए। ये लगातार नीतीश कुमार ने आज सुबह में भी बयान दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम सत्ता में नहीं थे और सत्ता में भाजपा के साथ थे, महागठबंधन के साथ नहीं थे, तब हम बहुत अच्छे थे। हालांकि उस वक्त भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी लेकिन उस वक्त कोई NHRC की टीम नहीं पहुँचती थी बिहार। लेकिन अब देखिए कि जब हम लोग उनसे अलग हुए हैं तो किस तरीके से यहाँ पर NHRC की टीम भेजी जा रही है, तो ये सब गलत बात है। हमने बिहार में शराबबंदी लागू रखा है और शराब पीकर जो मरेगा तो उसको मुआवजा देने का जो बात है, नीतीश कुमार ने यह माना भी है कि मुआवजा देने का जो प्रावधान है वो उसके तहत उनको मुआवजा दिया जाएगा लेकिन सरकार के तरफ से नहीं दिया जाएगा, ये नीतीश कुमार ने कहा। हालांकि हम न्यूज़ फाउंडेशन ने इस बात को लेकर जो है खुलासा किया था, इस बात को कहा था कि मुआवजा जहरीली शराब पीने से जो लोग मरे हैं उनको मिलना चाहिए, उनके परिजनों को। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है आपने सुना है। न्यूज़ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।